नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम हाजिर हैं आप सभी दोस्तों के कमेंट्स को लेकर और देखिए हम किस किस के कमेंट्स लिए हैं। तो चलिए हम चाहेंगे कि एक बार आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमें कुछ इससे सपोर्ट मिलता रहेगा। अभी हम छत पे खड़े हैं, शाम का टाइम है और इसी में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अब हम कमेंट्स जो है, सबसे पहला कमेंट्स हम लेते हैं राधे चौधरी का। ये कहते हैं कि सर मैं आपका पूरा वीडियो देखकर स्क्रीन खोल लेता हूँ, 8-10 प्रिंट करने के बाद कहीं कहीं से छोड़ने लगता है, यानी कोटिंग छोड़ने लगता है। तो देखिए राधे चौधरी जी, आपका इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आपका जो मेटर खोलकर जो सुखाए हैं उसे आप थोड़ा देर तक सुखाया करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेटर जब हम खोलते हैं तो उसके बाद से, या मेटर हम अगर हमारा सही से नहीं खुला होगा, उस पर धूप सही से नहीं लगा होगा, तो इस वजह से भी आपका जो कोटिंग है वो प्रिंटिंग के टाइम में छोड़ने लगेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मीटर हमारा सही से खुल जाता है तो आप कितना उस पर प्रिंट करते रहें वो कतई छोड़ेगा नहीं। चलिए अब हमारे जो दूसरे कमेंट्स हैं ये हैं विजय प्रजापति। ये कहते हैं कि सुबह 7 से 8 बजे धूप कितना दिखाना चाहिए, यानी सुबह 7-8 बजे इन टाइम पूछ रहे हैं कि कितने टाइम तक हम धूप दिखाएं। तो देखिए सुबह 7-8 बजे या शाम को 5-6 बजे आप जो धूप का टाइमिंग है उसे 10 से 12 सेकंड जो आप जनरली दिखाते हैं, जैसे जनरली हम आप लोगों को बताए हैं 20 से 25 सेकंड, तो इसमें आप 30 से 40 सेकंड कर देंगे तो आपका मीटर बिल्कुल सही सलामत खुल जाएगा। अब चलिए अब हमारे अगले कमेंट्स हैं नेत्र पटेल। ये कहते हैं कि सर एक बात बताएं, जब मीटर खोलते हैं तो मीटर तो आता है साथ में कोटिंग भी छूट जाता है। तो देखिए इसमें ये जो टाइमिंग है, आप जो मीटर खोलने का जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग में आप बढ़ोतरी कीजिए। टाइमिंग में अगर आपका मीटर धुल जाता है, कोटिंग धुल जाता है, तो इसका मतलब है कि आप टाइमिंग या सनस्लाइजर का मात्रा उसमें कम हो रहा है, इसकी वजह से ही आपका जो कोटिंग है वो छूट जा रहा है, बात ये फैक्ट है। अब चलिए अब अगले जो हमारे कमेंट हैं ये हैं सत्येंद्र आर्या। इप्सन प्रिंटर से इलेक्शन मल्टी कलर पोस्टर प्रिंट कर सकते हैं क्या? तो देखिए कर तो सकते हैं लेकिन उस बजट में नहीं आएगा। जो आपका इलेक्शन का पोस्टर होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और उसमें पैसा जो है वो कम होता है, इसलिए आप ऑफसेट या मल्टी कलर ऑफसेट पे आप उसका सहारा ले सकते हैं। इप्सन पे आप करेंगे तो उसके बजट में वो नहीं आ पाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले जो हमारे कमेंट्स हैं ये हैं गिरजेश कुमार। ये कहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखिए हम बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में बरौली एक ब्लॉक है, बरौली एक ब्लॉक में मोगल बिरैचा एक गांव है, उसी गांव से हम बिलोंग करते हैं। जो हमारा क्षेत्र है पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है, जैसा कि आप लोग पीछे भी देख रहे हैं, आप लोगों को घर कच्चे वगैरह या पलानी वगैरह दिख रहे होंगे, तो ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। चलिए अब अगले जो हमारे कमेंट्स है ये है एजाज अहमद। शाम के टाइम में मीटर उतर जाता है पर फ्रेम नहीं सूखने की वजह से मीटर खराब हो जाता है, इसका कोई सलूशन बताए? तो एजाज जी देखिए जब हमारा मीटर सही ढंग से अगर खुल जाए तो रात के टाइम में भी आप उसे पानी से भिंगा कर रख देंगे तो किसी भी तरह से खराब नहीं होगा, बिल्कुल वो परफेक्ट ही आएगा। जब आप उस पर धूप का टाइमिंग जो है कम होगा या सनस्लाइजर का टाइमिंग, खासकर से धूप का टाइमिंग आप ध्यान रखिए, उस पर आप धूप का टाइमिंग सही रखेंगे आपका मीटर बिल्कुल सही आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। तो फिर आप उसे अंधेरे में भी, मीटर खोलने के बाद भी अंधेरे में उसे सूखने के लिए रख देंगे, रात भर छोड़ देंगे, तो आपके मीटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न होगा, मीटर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मीटर आपका अगर उस पर धूप सही तरीके से लग जाता है, सही तरीके से मीटर खुल जाता है, तो आप रात को हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी आपका मीटर खराब नहीं होगा। और चलिए एक अब लास्ट हमारे जो कमेंट्स है ये है पी प्रागी। ये कहते हैं कि सामान कहाँ मिलता है? ये एक जो सवाल है हमें बहुत परेशान करता है कि भाई सामान जो है, अब आप एक बात समझिए कि हम यहाँ से है, हम आपको यहाँ का अगर आता पता दे देंगे तो क्या आप यहाँ से लेने के लिए आ जाएंगे? कई बार लोग कमेंट्स करते हैं कि आप हमें
सामान भेज दीजिए तो हम कितना सामान, मान लीजिए कि कलर प्रिंटिंग कपड़ा वगैरह हम भेज भी दिए तो फिर हम आपको कार्ड भी भेजते रहेंगे, आपके पास कुछ ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को किस तरह से, अब ये कोई सवाल ही नहीं हुआ कि सामान कहाँ मिलता है। आप अपने आपके घर पे अगर शादी पड़ता है तो आप कि हमसे पूछते हैं कि भाई प्रिंट हमें कराना कहाँ कराना है, उसके लिए आप स्वयं यात्रा पता करते हैं, आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाइए, उसके पास पता कीजिए कि भाई सामान कहाँ मिलता है, आप अपने सिटी में नज़दीक में पता कीजिए, ये मत किसी से पूछिए कि भाई सामान कहाँ मिलता है, खास तौर से किसी यूट्यूबर से, क्योंकि वो किसी अलग क्षेत्र से, आप मान लीजिए कि दिल्ली के हो, हम बिहार के हैं, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे सामान मिलता है कि आप लेने के लिए चले आओगे, तो ये कोई सवाल नहीं हुआ। अब लास्ट एक हमारा और सवाल है कि बहुत से लोग जो हैं वो हमारे नंबर का डिमांड करते हैं, तो देखिए नंबर पे अगर आपको हमसे बात करना है तो आप कमेंट्स में स्वयं का आप अपना नंबर दे दीजिए, हम उस पर अपने टाइम के अनुसार कॉल करेंगे, और कई बार हम कॉल हर रोज एक दो के पास, दो चार के पास हम कॉल करते ही रहते हैं, जो भी हमें उसमें कमेंट्स में अपना नंबर देते हैं उनके पास हम कॉल करते ही करते हैं, इसमें कोई, अब देखिए कॉल नंबर हमारा दे देने के बाद क्या होता है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए ही लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, इससे हमें परेशानी हो जाती है, तो कम से कम आपकी परेशानी की हम ध्यान रखते हैं तो हमारी भी परेशानी की आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप कमेंट्स में अपना नंबर दे दीजिए, हम अपने टाइम के अनुसार आपके पास खुद कॉल करते हैं, और इस कॉल का सबूत भी हम दे चुके हैं, कई बार हम अपने वीडियो में भी कॉल को बात करते हुए चला चुके हैं, तो आप लोग ऐसा करेंगे तो चलिए दोस्तों, जो हमारा कमेंट था इतना ही, जो कमेंट्स हमने सेलेक्ट किया था वो यही था। अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए